जब भी कोई गरीबी की जमीन से अमीरी के आसमान में उड़ने के ख्वाब देखता है तो या तो लोग ये कहकर उसकी उड़ान रोक देते हैं कि इसमें सारी उम्र चली जाएगी, या फिर उसे ये बोलकर डरा देते हैं कि ये बहुत रिस्की है और वो औंधे मुंह गिरेगा। बस इसलिए जो जमीन पर हैं वो हमेशा जमीन पर रह जाते हैं। इसी बात से परेशान होकर ऑथर ने जमीन से आसमान का सफर तय करने का रास्ता ढूंढ निकालने की ठानी। अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से उन्होंने जाना कि अमीरी और गरीबी का फासला केवल सही माइंडसेट का है। हमारा माइंडसेट ही हमारा कैश फ्लो डिसाइड करता है और सही कैश फ्लो से ही हम अमीरी के आसमान का चमकता सितारा बन सकते हैं। हमारे माइंड में बहुत ताकत है, अगर हम ठान लें और कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो ये सफर इतना मुश्किल भी नहीं जितना दुनिया इसे बना देती है। इस किताब के जरिए लेखक रॉबर्ट कियोसाकी आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाएंगे जिससे रिच होने के लिए आपको पूरी उम्र काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे आप यंग एज में ना सिर्फ अमीर बन सकते हैं बल्कि रिटायर होने के बावजूद भी उम्र भर रिच बने रह सकते हैं। चाहे आपकी शुरुआत जीरो से ही क्यों ना हुई हो, तब भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा कहते हैं कि स्टार्ट स्मॉल एंड ड्रीम बिग, यानी चाहे आपकी शुरुआत कितनी ही छोटी क्यों ना हो लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो इस दुनिया में हर कोई पैसे कमाने में लगा है, पर ज्यादातर लोग फाइनेंशियली सर्वाइव करने पर ही फोकस करते हैं और उसी में खुश हो जाते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो सही मायनों में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के गोल को लेकर चलते हैं। फाइनेंशियली सर्वाइव करने का मतलब है कमाना, खर्च करना और फिर कमाना। वहीं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कमाने और खर्च करने की इस कभी ना रुकने वाली साइकिल से खुद को आजादी दिलाना। जब तक आप इस साइकिल से नहीं छूटेंगे तब तक आप रिटायर होने की सोच भी नहीं सकते। यानी यंग एज में रिटायर होने के लिए सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, लेकिन 40 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट होना थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे पॉसिबल कर दिखाया है। लेखक कहते हैं यंग और अमीर रिटायर होने के लिए सबसे पहले राइट माइंडसेट की जरूरत है। जरा सोचें वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमें सही डायरेक्शन में काम करने से रोकती हैं? जी हाँ, आलस और सेल्फ डाउट। अगर आप आलसी हैं तो आप कुछ ना करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेंगे, जैसे इसमें बहुत रिस्क है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। वहीं अगर आप सेल्फ डाउट में हैं तब भी आप कोई भी अगला कदम उठाने से पहले इतनी बार सोचेंगे कि तब तक अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। अगर आप यंग एज में वो सब हासिल करना चाहते हैं जिसका सपना दुनिया देखती है तो आपको सोचना छोड़कर एक्शन लेना शुरू करना होगा। अपने गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म प्लानिंग करें जिन पर आप आज और अभी से काम शुरू कर सकते हैं। आपके सर पर जुनून होना चाहिए, आपका काम आपका पैशन होना चाहिए, तभी आप आलस और सेल्फ डाउट से बाहर निकल सकते हैं, वरना ये बेड़ियां आपको उम्र भर जकड़ी रहेंगी और आप 60 साल के बाद भी काम ही करते रह जाएंगे। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के नीचे एक छोटी सी चाय की टपरी थी। टी स्टॉल के मालिक का सपना था कि उसका भी एक दिन इतना ही बड़ा रेस्टोरेंट हो। वहीं रेस्टोरेंट के मालिक को वो अपने खानदानी विरासत के रूप में मिला था। टी स्टॉल वाले को जितना खुद पर भरोसा था, रेस्टोरेंट के नए मालिक को उतना ही सेल्फ डाउट। इसी तरह 5 साल बीत गए और टी स्टॉल वाले ने पैसे जमा करके एक छोटा सा होटल खोला। वहीं रेस्टोरेंट वाले ने ना कोई नई पॉलिसी लाई, ना कुछ नया काम किया, बस डाउट में रह गया कि क्या काम करेगा और क्या नहीं। उसने सब कुछ अपने स्टाफ के भरोसे छोड़ दिया। देखते ही देखते उसका रेस्टोरेंट घाटे में चलने लगा और उसे बंद करने की नौबत आ गई। वहीं टी स्टॉल वाले का अब अपना एक ढाबा था जिसे शहर में काफी लोग जानते थे। तो देखा कैसे सेल्फ डाउट और कुछ ना करने के कारण आप अर्श से फर्श पर आ सकते हैं। वहीं अपने काम को पैशन मानकर और खुद पर भरोसा रखें तो आप कामयाबी की बुलंदियां भी छू सकते हैं। क्या इस समरी को पढ़ते हुए आप सोच रहे हैं कि मैं तो अपने अर्ली 30s में हूँ, अब तो शायद इसके लिए लेट हो गया। लेकिन हम आपको बता दें कि रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको एक बिजनेस एस्टैब्लिश करके रिटायर होने के लिए केवल 10 से 12 साल चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको लाइफ के प्रति आपके एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना होगा। जो टाइम बीत गया और जो हो चुका उसके लिए बैठकर अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। जो बात मायने रखती है वो ये है कि आपने अपने पास्ट और उसमें की हुई गलतियों से क्या सीखा। जो लोग एक ही गलती लाइफ में बार बार दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं तो आपको लाइफ की हर मिस्टेक और फेलियर के प्रति अपने नजरिए को बदलना होगा, उसे गलती की तरह नहीं बल्कि एक सीख की तरह याद रखें। दूसरी जरूरी बात ये समझना है कि आपको अर्ली रिटायरमेंट की जरूरत क्यों है। कई लोगों से जब आप अर्ली रिटायरमेंट की बात करेंगे तो वो कहेंगे कि इतनी जल्दी रिटायर होकर करना ही क्या है। जब आप अपने करियर के पीक पर होते हैं तो रिटायरमेंट का फैसला लेना काफी कठिन होता है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें कि पैसा और शोहरत के साथ लाइफ की मेमोरीज और रिलेशनशिप की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ये सफर आपका है और आपकी खुशी के लिए है, इसलिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं। वो पैसा ही क्या जो अपनी पूरी लाइफ देकर मिले। अपने काम के साथ साथ अपने लिए और जिनसे आप प्यार करते हैं उनके लिए टाइम निकालना भी जरूरी है। अगर आप जल्दी रिटायर हो गए तो जिंदगी को एक अलग तरीके से जी सकते हैं।
जिसमें आप हो, आपका परिवार और आपकी आज़ादी। रही बात की रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, तो इसका जवाब है रिटायरमेंट का मतलब एक नई शुरुआत जिसमें आप वो सब कर सकते हैं जिनसे आपको प्यार है, जैसे कोई एडवेंचर, आपकी हॉबीज और वो सब जो आप पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालते हैं तो उनका काम सफर करता है, जबकि असल में होता उसका उल्टा है। क्योंकि हम जब अपने परिवार और काम के बीच बैलेंस बनाकर चलते हैं तो सब कुछ शांत रहता है और हम मेंटली और फिजिकली फिट महसूस करते हैं, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है और जो काम 2 घंटे में होना था वो 1 घंटे में हो जाता है। वहीं अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है तो आपके लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पर उसका असर होगा, जिससे आप उसी काम को करने में दुगना टाइम लगाएंगे। यानी लाइफ केवल पैसा कमाकर अमीर बनने के बारे में नहीं है। एक इंसान सक्सेसफुल तभी कहलाता है जब उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ फैमिली हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग भी हो। इन सबको हासिल करने के लिए यंग एज में रिटायर होना बहुत जरूरी है। ऑथर ने अर्ली रिटायरमेंट का सफर कैसे तय किया? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने जल्दी रिटायर होने के लिए डेट का इस्तेमाल किया। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते हैं कि स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, एक सिक्योर जॉब ढूंढो और उम्र भर काम करके पैसे बचाओ। उनके लेसन से भी लाइफ शायद आसान होती, लेकिन वो जो कहते हैं अक्सर खुद ही भूल जाते हैं। हम सिक्योर जॉब तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन साथ में ऐसी चीजों के लिए डेट लेते हैं जो हमारे लिए एसेट की जगह लायबिलिटी बन जाते हैं, और यहीं से शुरू होता है डेट भरने का कभी न खत्म होने वाला सफर, जिसमें फंसकर हमें मरने तक काम करना पड़ता है। वहीं रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि अपने पैसों के इस्तेमाल से अमीर बनने की जगह दूसरों के पैसों से अमीर बनो, यानी डेट से, लेकिन याद रहे कि वो गुड डेट होना चाहिए। अब ये गुड डेट क्या होता है? सोचिए अगर आपने 10% इंटरेस्ट के साथ बैंक से लोन लिया और उसे रियल एस्टेट में कुछ इस तरह इन्वेस्ट किया कि आपको 25% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, तो आप 15% के फायदे में रहेंगे, जो कि आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करेगी और आपके कैश फ्लो को मेंटेन रखेगी। लेखक ने एक उदाहरण के साथ अपनी बात समझाई है। उनके साथ के घर में एक कपल रहता था जो 57 ईयर्स की उम्र में रिटायर हुए थे, जबकि रॉबर्ट उनके मुकाबले 12 साल पहले और उनकी पत्नी किम 19 साल पहले ही रिटायर हो गए। उस कपल ने अपना रिटायरमेंट इक्विटी यानी स्टॉक मार्केट के जरिए फंड किया था, जबकि रॉबर्ट और उनकी पत्नी ने लेवरेज की मदद से अपना रिटायरमेंट फंड किया था। क्योंकि बैंक स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए लोन नहीं देता, इसलिए उस कपल को खुद मेहनत करके पैसे कमाने पड़े, जबकि कियोसाकी कपल को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से लोन मिल गया, जिसके कारण वो जल्दी रिटायर हो पाए। रॉबर्ट कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि रिटायर होने के लिए आपको $1 million की जरूरत होती है। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप सारा जीवन लगाकर 1 million बचाओगे या 1 million का डेट लेकर उसे हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर लगाओगे, लेकिन आपको एकदम से कोई भी बैंक 1 million का डेट तो देगी नहीं, इसलिए धीरे धीरे आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। पैसों की दुनिया में 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला कैश फ्लो और दूसरा लेवरेज। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको लेवरेज का इस्तेमाल करना सीखना होगा। रिच, पुअर और मिडिल क्लास के बीच का डिफरेंस इसी बात से बनता है कि वो अपने लेवरेज को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लेवरेज ही है जिसने किम और रॉबर्ट को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाई, ना कि हार्डवर्क ने। अगर केवल हार्डवर्क से कोई अमीर बनता तो सबसे ज्यादा अमीर सड़क पर काम करने वाला मजदूर होता।